ये प्रताप सिंह जी खजरेवास अभी नामांकन पत्र भरेंगे और आप देख रहे हैं कि उनका योगदान क्या है जयपुर के अंदर, सबको मालूम है। बचपन से ये संघर्ष करते आए हैं, आज जो कुछ विकास दिख रहा है जयपुर के अंदर, आपको जयपुर में विकास दिख रहा है तो जो हमारे एमएलए होते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी सलाह से सरकार काम करती है। आज नक्शा बदल गया जयपुर का, जब से सरकार कांग्रेस बनने लगी है 98 से, तो आज अगर ये खड़े हुए हैं तो मैं अपेक्षा करता हूँ जनता की, जनता से, जयपुर की जनता से, उनको अपना आशीर्वाद दें, इनको कामयाब करें, जिससे आने वाले वक्त में आपकी आवाज़ को जो पिछले 5 साल में उठा नहीं पाया है, 24 MP थे इनकी बीजेपी के, 24 किसे कहते हैं, डरते हुए बोलते हुए कहीं मोदी जी अमित शाह नाराज नहीं हो जाए, ऐसे मेंबर पार्लियामेंट क्या काम के, ये शेर की तरह दहाड़ेंगे वहाँ पर। समस्याएं जो राजस्थान की है, जयपुर की है, वो वहाँ पर उठाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा महत्व होता है मेंबर पार्लियामेंट का। बनने में कोई बन जाओ भले ही, बनने में और काम करने में राजनीति का फर्क है। मैं खुद 5 बार MP बना हूँ, मुझे मालूम है कि बनने में नहीं बनने में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। एक मौका मिला इनको, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी इनको दिया है चांस, जयपुर से सीट से उम्मीदवार बनाया है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जयपुर वासियों, मेरा आग्रह है, आह्वान है कि इस बार आप लोग आशीर्वाद दो। पिछली बार हमारी गवर्नमेंट बनी नहीं, झूठे आरोप लगाए गए हमारे ऊपर, ये तो रेपिस्तान बन गया है, या तो खूब कांग्रेस की ध्वस्त हो गई है। हिंदू को 5 लाख दिए, 50 लाख दे दिए मुसलमान को, क्या क्या नहीं बोला गया। अब हम सवाल पूछेंगे उनसे, मोदी जी से, इन चुनाव में जो झूठे आरोप लगाए गए थे उसका जवाब दो पार्लियामेंट के अंदर, नंबर एक। नंबर दो, हमारी गवर्नमेंट ने काम किए, गांव गांव में आज चर्चा है, महंगे इलाज शिविर हो, गारंटी हो, रोजगार की बात, 3 लाख नौकरियां दी हम लोगों ने हिंदुस्तान में, दी गई, महंगाई शिविर लगाया, महंगे इलाज शिविर लगाया हम लोगों ने, राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीब अमीर के बीच में खाई खत्म होनी चाहिए, प्यार मोहम्मद भाईचारा जाना चाहिए, वही मुद्दे हमारे थे, पर झूठ बोल के चुनाव जीत गए। अब सरकार जो नई बनी है, एक तरफ हमारी गवर्नमेंट स्कीम याद लोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट बनी है वो टेक ऑफ भी नहीं कर पा रही। रिमोट कंट्रोल चलती दिल्ली से चल सकती है क्या? संविधान की शपथ लेते हैं प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, उनको अधिकार मिलते हैं काम करने के, वो अधिकारी उनके पास में नहीं है, उनका PA और PS नहीं लगा पाते हैं, डिप्टी CM दोनों हैं, 3-3 बार उनके PA बदल दिए, क्या मजाक बना रखी है। ये तमाम बातें जो है जनता के जेहन में घुस चुकी है, और इस बार परिणाम चौंकाने वाले आएंगे राजस्थान के अंदर, चौंकाने वाले आएंगे। वो तो खाली लोगों को भ्रमित करने की कर रही है, जिससे कि लोग वोट दे देवे। अगर 4 दफा फिर वो कभी नीतीश कुमार के पास क्यों जाते हैं, कभी वो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक चव्हाण क्यों तोड़ के ले गए, नवीन जिंदल को कल क्यों ले गए, उनके पास उम्मीदवार में कमी है क्या? इतने घबराए हुए हैं, उनके उम्मीदवार टिकट वापस फेंक रहे हैं, ये स्थिति है। तोड़फोड़ सब जगह कर रहे, अभी भी हिमाचल में करने लग गए। अगर 4 दो 12 का माहौल आपके पक्ष में है तो आप चिंता क्यों करते हो, घर बैठे चुनाव जीत जाओगे। साम दाम दंड भेद अभी भी अपना रहे हैं, 2 मुख्यमंत्री को जेल डाल रखा है, क्यों डाल रखा है? अगर आप में हिम्मत है तो बल्कि कोई जेल जा रहे तो रुकाओ, मुकाबला करो पार्लियामेंट में और विधानसभाओं के अंदर, लोकतंत्र है, अगर आप में दमखम है मुकाबला करो आप हमसे। आप उनको जेल डाल रहे हो, मुख्यमंत्री को, चुनाव मुख्यमंत्री है केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री को डाल दिया जेल में, मजाक बना रखी देश के अंदर। इतने में कहते लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, बिना कानून डाले कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। ED, इनकम टैक्स, CBI जो है आज किसी और के घर गई है, और कल जो चुप रह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे व्यापारी हो, कल उनके यहाँ भी आ सकती है, ये नहीं बोलना चाहिए। ये हमारी पार्टी के अंदर ही मामले होते हैं, जब टिकट मिलते हैं
तो कई छोटी बड़ी बातें होती रहती है, आप जानते हो ये बातें हमारी पार्टी के मामले हैं। यदि हम पत्रकारों के अंदर क्या होता हम तो नहीं पूछते आपको कि आपके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये छोड़िए आपको, क्यों आपकी ट्रांसफर हो गई हैदराबाद, क्यों ट्रांसफर हो गई, क्यों आपकी ट्रांसफर दिल्ली में कर दी गई, हम तो नहीं पूछते आपको।